नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू श्रीमा एजुकेशन कंसल्टेंसी। हर साल कुछ हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन ट्रैवल करते हैं पढ़ाई के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा तादाद होती है मेडिकल स्टूडेंट्स की, ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस हैं। सस्ती पढ़ाई होती है या तो फिर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, हर एक के अपने अपने अंदाज हैं। इसके बाद MBA के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, MS के लिए जाते हैं, फिजियोथेरेपी है या फिर इकोनॉमिक्स है, CA है, लॉ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, एक्सचेंज स्टूडेंट्स भी जाते हैं, समर स्कूल के लिए भी जाते हैं। ये साल जो एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ हुआ है COVID-19 का, उसका इस सब स्टडीज़ के ऊपर, फॉरेन स्टडीज़ के ऊपर क्या असर होगा, इसके ऊपर हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये टॉपिक हम जितना जल्दी हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे, पर इसको 3 पार्ट में बनाएंगे ताकि आपको इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बहस करने को मिल सकती है, एक डिबेट हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और इसके बारे में जो डाउट्स अपने इंडियन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में जो डाउट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ जो हैं फॉरेन की, वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं या तो फिर किस तरीके से उनको प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए मोटिवेट करना चाहती है। इसके साथ साथ तीसरे पार्ट में हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि श्रीमा एजुकेशन कंसल्टेंसी अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसे सपोर्ट करेगी और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको कम तकलीफ़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ऑब्वियसली पढ़ाई वाइज नहीं, सिर्फ इकोनॉमिकली भी, इसका हम ख्याल कैसे करेंगे, इसका हमने एक छोटा सा ब्यौरा बनाया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पार्ट के इसके जो डाउट्स हैं, मेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने इंडियन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में क्या है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम या तो फिर जो डाउट है जो हम लोग आज के डेट में फेस कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स जो फेस कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स या तो मेरा बच्चा अगर फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने जाता है तो उसकी हेल्थ वाइज क्या सिक्योरिटी है, उसकी इकोनॉमिकली क्या सिक्योरिटी। हेल्थ वाइज सिक्योरिटी तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे लगता नहीं है ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली आप अगर फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आपको अच्छे तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है कि नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मतलब मेडिकल हेल्प मिल रही है या तो फिर उसके साथ साथ जो आपको आइसोलेशन की ज़रूरत है आज के टाइम पे, COVID-19 के टाइम में जो आइसोलेशन की ज़रूरत है, जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो उनके पास अवेलेबल है या नहीं है, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स उन्होंने क्या क्या लिए हैं और वो इस इंश्योरेंस में आपको अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपको दिमाग में रखनी है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी किस चीज़ की हो सकती है तो वो फीस के बारे में। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसका फ़ायदा भी लेना चाहती हैं या तो फिर इसके अंदर एक्सप्लॉइट भी करना चाहती है, ऐसा आपको लग सकता है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो फीस बढ़ाने की या चेंज करने की कोशिश करेंगी या तो उनका वो प्लान रहेगा। इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इकोनॉमिकली आप सिक्योर हैं या नहीं है, क्योंकि सडनली अगर आपको पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर से आपकी फ़ीस चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली आपके कैलकुलेशन में ऊंच नीच हो सकती है, या तो कई स्टूडेंट्स हैं जो लोन लेके फॉरेन में ट्रैवल कर रहे हैं उनको दिक्कत आ सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, पर इसमें दिक्कत आ सकती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कौन सी कंट्री है जिनका इकोनॉमिकली डॉलर वाइज आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ नहीं है। इसके दो रीज़न हैं, एक तो आपकी फ़ीस वैसे की वैसे रह जाती है, सेकेंडली आपका पर्सनल जो एक्सपेंडिचर है, ऑब्वियसली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अगर ऐसी फैमिलीज से हैं जो इकोनॉमिकली चैलेंज है या बैकवर्ड है तो ऑब्वियसली वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं तो आपको पार्ट टाइम जॉब करने से दूसरा ऑप्शन नहीं है।
ऐसे लोग हैं जिनको ये भी देखना है कि उनकी करेंसी अगर चेंज नहीं हुई है या तो फिर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, तो उनकी इनकम भी स्टेबल है, उनका एक्सपेंडिचर भी स्टेबल है और उनका फीस भी स्टेबल है। सो यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको वो कंट्री की इकोनॉमिकल सिक्योरिटी भी देखनी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी और फी स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें एक और चीज़ भी यहाँ पे इन्वॉल्व करनी है, वो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स को, फॉरेन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। तो इस प्रोग्राम में कोई चेंजेस आते हैं या ये प्रोग्राम वैसे का वैसा स्टेबल रहता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि आप अगर उसको फोकस करके आपका 2020 का एजुकेशन जर्नी प्लान कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। COVID-19 का एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो एजुकेशन अब्रॉड पे हुआ है वो ये है कि काफ़ी सारे इमिग्रेशन जो एजेंसीज हैं उन्होंने वीज़ा के ऊपर कंट्रोल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं। जैसे आप किसी ऐसे कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं जो मोस्ट अफेक्टेड हो, तो आप किसी की एंट्री में एंट्री नहीं कर सकते, या तो फिर उनके अलग रूल्स हैं, आइसोलेशन के रूल्स हैं, सैनिटाइजेशन के रूल्स हैं, या तो फिर क्वारंटाइन के रूल्स हैं, अभी भी हैं और मे बी ये कुछ और महीने तक रहेंगे। इसका डायरेक्टली असर आपके स्टडीज़ के ऊपर नहीं हो सकता, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इमिग्रेशन रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो फिर आप ऐसे कंट्रीज़ को चूज़ कर सकते हैं जिन्होंने अपने इमिग्रेशन और वीज़ा के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं रखे हैं, हमारे लिए फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान में लेनी है कि आज तक जो हमारे दिमाग में वहम था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सबसे सेफ और सबसे स्टेबल कंट्रीज़ हैं, वो अब हमें अपने दिमाग से निकालना है, क्योंकि इकोनॉमिकली सेफ्टी जो है, या तो फिर मेडिकल सेफ्टी जो है, हेल्थ रिलेटेड जो सेफ्टी है, सोशल सिक्योरिटी जो है, ये सब मामले में आज हम सारे कंट्रीज़ एक ही लाइन में खड़े हैं। सबकी ऑलमोस्ट कंडीशन सेम है और सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि पोस्ट COVID-19 जो रिसेशन होगा उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसको होगा। ऑब्वियस चीज़ है, उसी कंट्री को होगा जिनके सिटीजन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, या तो जिनके बिजनेस बहुत पहले ही लॉकडाउन हो चुके हैं। बट इसके साथ साथ हमें एजुकेशन अब्रॉड के लिए ये देखना है कि COVID-19 के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तब इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, जिनका आज भी लॉकडाउन के अंदर भी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा है, हम उसी को चूज़ करेंगे, क्योंकि वही आपके स्टूडेंट्स को एक अच्छी सिक्योर और स्टडीज़ के लिए बहुत सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में पढ़ाई के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो हैं, काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, जैसे हमने देखा कि मेडिकल स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके लिए नीट की एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पोस्टपोन हो गई है, या तो फिर जैसे IELTS, TOEFL जैसे एग्ज़ाम्स हैं, ये आज की डेट में इनका इंटेक स्टॉप हो गया है, तो जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा उनका इंटेक भी चालू हो जाएगा और उनके डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगे। ये सब जो प्रोसेस है लॉकडाउन की वजह से डिले होना, पोस्टपोन होना, या तो फिर उनका अभी सस्पेंड किया जाना, इसका डायरेक्टली अफेक्ट होता है कि आप की जो एडमिशन है वो लेट हो सकती है। हर यूनिवर्सिटी की, हर कंट्री की एडमिशन इनटेक की एक डेट फिक्स रहती है, उस डेट के ऊपर आपके एडमिशन हो जाने चाहिए। उसके बाद एक आपके इनटेक के बाद आपके फर्स्ट क्लासेस चालू होने की डेट फिक्स रहती है, उस टाइम पे आप उस कंट्री में, उस यूनिवर्सिटी में होना ज़रूरी है। तो हमें अभी ये देखना है कि ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं और कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके लिए ये रूल्स फ्लेक्सिबल करने के लिए रेडी हैं, जो लेट एडमिशंस लेने के लिए रेडी हैं, या तो फिर जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के रूल्स हैं उनको फ्लेक्सिबल करने के लिए रेडी हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमें लगता है पोस्ट कोविड 19 जो एजुकेशन अब्रॉड के प्लान्स हैं उनको अफेक्ट कर सकता है, वो है लोगों के मन में बसा हुआ डर।
फॉरेन छोड़ दीजिए, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे पेरेंट्स के मन में इतना डर बसा हुआ है कि उन्हें लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे साथ रहने चाहिए, हमारे पास रहने चाहिए, वहीं रह के उन्होंने आगे की पढ़ाई का सोचना चाहिए। आपका डर कुछ परसेंटेज में जायज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका बच्चा है तो आप उसकी सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी भी रखते हैं और ज़्यादा फीलिंग्स भी रखते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे हमने कहा कि काफ़ी सारे एजेंसीज इसके पीछे वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेना होगा, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा, एजुकेट होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को बाहर जाके कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो 2020 में जो कुछ लोग पोस्टपोन करना चाहते हैं, 2021 में जाना चाहते हैं, एक साल का जो गैप आपके एजुकेशन पीरियड में आता है वो बहुत बड़ा गैप होता है। कई जगह पे इस रीज़न की वजह से आपके एडमिशन्स में भी प्रॉब्लम आ सकता है, आगे चल के वो जो एक साल का गैप है वो नुकसान बहुत बड़ा साबित हो सकता है। सो ऑब्वियसली आपका डर जायज़ है, पर आप डर की वजह से घर पे ना रहे, हमें कांटेक्ट करें, हम यहाँ काउंसलिंग के लिए ही हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको उसके ऊपर आंसर्स देंगे। हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए, उसके अंदर हमने इसके ये प्रॉब्लम के ऊपर भी डिस्कस किया है कि यूनिवर्सिटीज़ इस बारे में आपको क्या सपोर्ट कर सकती है, या तो मोटिवेट कर सकती है, या आपको क्या चीज़ों की गारंटी दे सकती है। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में जानकारी ले लें, इसके बारे में आप पढ़ें, इसके बारे में आप सोचें, और सबसे ज़्यादा और ज़रूरी बात, आप अपने मन में क्वेश्चन ना रखें, वो कंसल्टेंट्स को पूछें। जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। जो सेफ़ एनवायरनमेंट रहेगा वही आपका स्टूडेंट्स जाना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स जाने चाहिए, आपका बच्चा जाना चाहिए, ये हमारी भी प्रायोरिटी है। आपका जो बच्चा है उसका जो फ्यूचर एजुकेशन है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए और हमारे लिए भी। सो घर पे रहे, सेफ रहे, हेल्दी रहे।